नमस्कार दोस्तों, पेश है आपसे जुड़ने का KEI कुटुंब का ये नया अंदाज, जहां आपसे होंगी बातें कुछ खास। नमस्कार, KEI कुटुंब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका वाधवानी और मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। KEI कुटुंब ने दिया है मुझे ये मौका आपके साथ हेल्थ और वेलनेस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बातें की थी इको फ्रेंडली गणेशा के बारे में, तो आज हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें यूज़ करते आप इस गणेश चतुर्थी को हाइजीनिक, क्लीन और सेफ तरीके से मना सकते हैं। गणेश जी का आगमन इंडिया में बहुत जोरों शोरों से किया जाता है। गणेश चतुर्थी हम बड़े चाव से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गणेश जी के विसर्जन के अवसर पर हम देखते हैं कि लगभग हर सिटी और टाउन में बहुत ज़्यादा क्राउड और कंजेशन हो जाता है। इस भीड़ में लिटरिंग और कंटेजियस डिजीजेस का फैलना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्राउड्स की वजह से बहुत जगहों पर ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, जिससे साउंड और एयर पोल्यूशन हो जाता है, और ट्रैफिक के साथ साथ फटाकों के एक्सेसिव उपयोग से भी पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो इस गणेश चतुर्थी में कुछ खास बातों का पालन करें, जिसे हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखकर खुशियां मनाएं। त्योहारों में हम सब ही अपने घर और सराउंडिंग्स को डेकोरेट करना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखें कि त्योहार के बाद इसी डेकोरेशन को प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पूजा में यूज़ होने वाले फूल को हम फेंकने के अलावा जमा करके उसको कंपोस्ट बनाकर अपने पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस गणेश चतुर्थी कोशिश करें कि आप फायरवर्क्स यानी कि फटाकों का जितना हो सके कम उपयोग करें। इससे सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं बढ़ता है, बल्कि हमारे आसपास के एनिमल्स जैसे बर्ड्स, डॉग्स और कैट्स को भी आवाज़ और धुएँ से नुकसान पहुँचता है। त्योहारों में हम अपने परिवार और फ्रेंड्स के लिए ढेर सारे स्पेशल खाने और स्वीट्स बनाते हैं। याद रखें कि जितना हो सके फूड वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए फूड डोनेट यानी कि गरीबों में बांट दें। रीयूजेबल कटलरी का इस्तेमाल करें, जिसे हम भारी मात्रा में वेस्ट कम कर सकते हैं। मार्केट में हमें अब बैम्बू या अरेका लीफ से बने हुए प्लेट्स मिलते हैं। अरेका लीफ का उपयोग एक नेचुरल बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन है, जिसके बनाने में कोई पेड़ काटे नहीं जाते। त्योहारों में क्राउड्स एंड गैदरिंग्स कॉमन है, लेकिन ध्यान रखें कि क्राउड्स में अलर्ट और सेफ रहे और अच्छे हाइजीन का पालन करें। क्राउड में बीमारियां फैलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और रोड्स पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए लिटर न करें। हमारे बिल्डिंग्स या कॉलोनी में हमें कम्युनिटी विसर्जन को प्रमोट करना चाहिए, जिससे एक एरिया में रहने वाले लोग कम पानी का इस्तेमाल करके अपने गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। रंगोली बनाते समय कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक कलर्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फूल, चावल या गुलाल से रंगोली बनाएं। आर्टिफिशियल कलर्स आपके और हमारे एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हैं। तो ये थे कुछ टिप्स, जिनसे हम इस आने वाले गणेश चतुर्थी को और भी सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। KEI और मेरी तरफ से एक खास गुजारिश, याद रखें कि साफ मतलब सेफ और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। KEI कुटुंब की आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सीरीज में, तब तक के लिए अलविदा। जुड़े रहिएगा, होगी फिर मुलाकात KEI कुटुंब के साथ, होगी फिर से नई बात।